साथियों नमस्कार। आज हमने फ्लिपकार्ट से 80 सेंटीमीटर एलईडी टीवी मंगाया है, जिसे डिलीवरी बॉय लेकर आया है। डिलीवरी बॉय से मैंने कहा कि इसे खोलकर दिखाइए, इसकी अनबॉक्सिंग कीजिए कि इसके अंदर जो उपकरण हैं वो सारे के सारे हैं। तो वह हमें यह बॉक्स खोलकर दिखा रहा है और कहीं टीवी में टूट फूट तो नहीं है। ठीक, ऐसे पलट के और दिखा दो एक बार। हाँ, तो फिर ये चालू नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा यार डैमेज। अच्छा वैसा टूट फूट नहीं, अच्छा फिजिकली होना चाहिए। मेरे द्वारा चेक किया गया कि टीवी बाहरी रूप से पूर्णतः सही है। इसके बाद हम अब आगे की प्रक्रिया के लिए इंस्टॉलेशन करने वाले व्यक्ति को कॉल करते हैं और वह घर पर आता है। इंस्टॉलेशन करने वाला बॉय टीवी के स्टैंड को या दीवार पर लगाने के लिए यदि आप चाहते हैं तो दीवार का स्टैंड लेकर आएगा, जिसका चार्ज अलग से लेगा, क्योंकि स्टैंड इसी बॉक्स के अंदर निकले। तो इस टीवी के स्टैंड को अच्छी तरह से कस दिया गया है और टीवी को टेबल पर रख देते हैं। टीवी को टेबल पर रखने के बाद टीवी के निचले हिस्से में एक बटन होता है, स्विच होता है, जिसे दबाया जाता है, टीवी चालू हो जाती। टीवी चालू होते ही इसमें रिमोट पर दिए हुए दो बटन होते हैं जिन्हें एक साथ प्रेस करना होता है। प्रेस करने के बाद नेक्स्ट करते हैं और टीवी का यह जो फेज है वो इस तरह से आपके सामने खुलकर आ जाता है। और कुछ ही समय बाद यह क्विक सेटअप हो जाती है। आगे जो बीच वाला बटन, यह इंस्टॉलेशन बॉय ही करता है। इंस्टॉलेशन के समय नेटवर्क या वाईफाई की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर जोड़ना चाहते हैं तो अपने मोबाइल से डाटा खोल करके जोड़ सकते हैं, अन्यथा इसे इग्नोर करें और आगे बढ़ जाते हैं। लोकेशन का ऑप्शन अगर खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। हमारी टीवी एंड्रॉयड है, इसलिए एंड्रॉयड को सिलेक्ट किया और लगातार नेक्स्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट करने पर इस तरह से दिखाई देगा और एक पासवर्ड चुनना होता है, जिसे दो बार डालना पड़ता है और इस पासवर्ड को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमने रिमोट के माध्यम से पासवर्ड टाइप करके ओके कर दिया है और आगे की प्रोसेस बढ़ चुकी है। कैसे चलाऊं, मतलब केबल से कि एंटीना से? केबल नहीं ना, इसको स्किप कर देते हैं और हमारा टीवी का जो होम पेज है वह खुलकर सामने आ जाता है। अब आप प्राइम वीडियो या YouTube, हॉटस्टार, जो भी चलाना चाहते हैं उसको आप खोल सकते हैं। आपका टीवी पूर्णतः रेडी हो चुका है और इस तरह से यह इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। यदि आप DTH या कोई सेटअप बॉक्स लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जोड़ सकते हैं और इसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट अवश्य कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।